सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि डेक फंक्शन क्या होता है कॉटलिन के अंदर। तो गाइस, डेक फंक्शन आपको जब यूज़ करना है जब आपको किसी वेरिएबल के अंदर डिक्रीमेंट करना है। ओके तो गाइस, एक एग्जांपल के यहाँ पे थ्रू क्लियर करते हैं इसको। तो इस किया क्या मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है ए यहाँ पर, जिसके अंदर वैल्यू क्या साइन है 12। अब मैं गाइस इसके अंदर क्या करता हूँ, डेक फंक्शन को यूज़ अप्लाई करता हूँ। तो गाइस क्या किया मैंने, लिखा ए डॉट डी ई डेक। ओके ये डेक लिख दिया यहाँ पर। डैश डेक का मतलब यहाँ पर ये होता है डिक्रीमेंट, मतलब इस वेरिएबल के अंदर क्या करना है मुझे कुछ डिक्रीमेंट करवाना है। ओके तो गाइस लेट्स रन दिस। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन जब मैं करूँगा यहाँ पर तो गाइस ऑफ कोर्स का रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। तो गाइस देखो, इसका जो रिजल्ट आया यहाँ पर 11 आया ऑफ कोर्स, क्योंकि डिक्रीमेंट हो चुका है। और गाइस क्या कर सकते हैं, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। गाइस करना क्या आपको, देखो ए एंड ऐसे ऐसे पास कर सकते हो यहाँ पर। ओके इसको यहाँ से हटा कर ए पास कर दो एंड गाइस लेट्स रन दिस। तो गाइस हम जब इसको डिक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर तो इसका रिजल्ट 11 आएगा फिर। तो गाइस दो तरीके होते हैं, आपको एक डेक फंक्शन कर सकते हो या एक डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। ओके